हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक हेयर कलर का छोटा सा रिव्यू दूंगी, साथ में इसका डेमो भी आप लोग को दिखाऊंगी, अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है बालों के लिए, ये कैसा है ये। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये गार्नियर ब्लैक नेचुरल कलर, ये है बरगंडी कलर, ब्लैक भी नहीं है, नेचुरल कलर में आता है ये। आपको ब्लैक में भी मिलेगा, रेड में भी मिलेगा, ये तीन तरीके से आता है फ्रेंड्स। तो इसमें आलमंड ऑयल का प्रयोग किया गया है और साथ में ये जो है ये मेहंदी, ये आपके बालों को हेल्दी एंड सॉफ्ट बनाती है। आपका बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिल्की शाइनी बनाती है और इसमें अमोनिया का प्रयोग नहीं किया गया है। और मैं इसे 3 मंथ से लगा रही हूँ फ्रेंड्स, इसके पहले मैं और मेहंदी भी लगाई हूँ हेयर में। तो मैं बताती हूँ कि आपको ये मेहंदी कैसी रहेगी और किस तरीके पे ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, जल्दी में है, तो आप इस मेहंदी का यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत ही जल्दी से कलर आता है इस मेहंदी का। तो और दूसरे नंबर पे, जैसे कि अभी विंटर सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न में बालों का अगर सफ़ेद हो गया है और उसे काला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ठंडियों के मौसम में ज़्यादा देर तक हम मेहंदी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गार्नियर मेहंदी है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको 15 से 20 मिनट अगर आप अपने बालों में रख लिए तो आपका बाल ब्लैक दिखेगा और साथ में आप इसे जब हेयर वॉश करोगे तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की और शाइनी दिखेंगे। तो ये मेरे तरीके से काफ़ी अच्छा रहा इसका रिज़ल्ट और मैं इसे 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हर किसी के पास दौड़ धूप की ज़िंदगी में बहुत ही कम टाइम होता है कि कोई चीज़ हम अप्लाई करके ज़्यादा देर तक रह सकें, तो इसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप इसे कम से कम टाइम में अच्छा सा कलर ला सकते हो। तो टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है। और रही बात आपके हेयर पे ये कैसा काम करेगा, कलर तो अच्छा आता है पर आप इसे अगर रेगुलर यूज़ करोगे, करते रहोगे कंटिन्यू, हमेशा के लिए नहीं है लेकिन 1-2 मंथ 3 मंथ आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेली यूज़ करते रहोगे तो आपके हेयर डैमेज होंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा गया है कि केमिकल नहीं है, तो केमिकल नहीं है। आजकल कोई भी चीज़ें केमिकल के बगैर बनती ही नहीं है। तो आप इसे हमेशा के लिए ना यूज़ करें, लेकिन अगर आप कहीं आ जा रहे हो, आपके बाल वाइट दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसे लगा सकते हो, बिल्कुल भी आपको ऐसे में नुकसान नहीं करेगा। तो मैं तो लगा रही हूँ, खासकर ठंडियों के सीज़न में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कम टाइम में अच्छा कलर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ ये रिव्यू का शेयर कर दी। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ किसके अंदर की पैकेजिंग कैसी होती है, कैसा होता है कलर, और इसके लगाने के बाद बालों में कलर कैसा आता है, बाल कैसे होते हैं, ड्राई होता है कि नहीं होता है। जैसे कुछ मेहंदियाँ होती हैं अप्लाई करने के बाद बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखने लगते हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बाल आपके इतने ज़्यादा सिल्की दिखेंगे कि ऐसा लगेगा आपने कंडीशनर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये मेहंदी लगाने के पहले की क्लिप है, तो आप देख सकते हो बीच बीच में हेयर वाइट हो गए हैं, ईयर के पास भी थोड़ा वाइट बाल दिख रहे हैं, यहीं से स्टार्ट ही होते हैं लगभग सभी लोगों को। तो अगर आपके बाल इस तरीके के वाइट हो गए हैं तो इस मेहंदी को आप कम टाइम में अच्छा सा कलर ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है पैक मेहंदी का। तो ये आपको जो है ट्यूब में भी मिलेगी, इस तरीके पैक में भी मिलती है, तो आप जैसा चाहो आप मार्केट से ले सकते हो। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही दो पाउच में आता है, एक जो है वाइट कलर का है और एक रेड कलर का पैक है, और उसमें से आपको इस तरीके से येलो कलर का निकलता है। और ये थोड़ा सा जो ब्लैक दिख रहा है, ये मैंने पहले का रखा हुआ था जो कि रखने से थोड़ा ब्लैक हो गया, और जो वाइट कलर क्रीम है ये दोनों मिक्स कर लेना, और मिक्स करके अगर आप 2 से 3 मिनट रख दोगे तो ये मिक्स करने के बाद ब्लैक होता जाता है कुछ देर रखने के बाद। फिर उसके बाद मैं अपने बालों में अप्लाई कर ले रही हूँ, और पूरे बालों में नहीं अप्लाई करूँगी, बस आगे ही अप्लाई करूँगी जहाँ पर हेयर वाइट दिखते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया है। और जब फिर उसके बाद आप पूरे हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। तो आप जड़ों में अप्लाई करें जहाँ पर आपको वाइट बाल है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं, जैसा कि बताया मैंने 15-20 मिनट आप रख लोगी तो भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और हेयर वॉश करते समय आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हो, और आपकी मर्जी है आप ना भी करो तो भी चलेगा क्योंकि इसे वॉश करने के बाद आपका बाल जो है वो ड्राई नहीं लगता है, बिल्कुल सिल्की शाइनी लगता है। तो हमने हेयर वॉश फ्रेंड्स शैम्पू से किया था और कुछ भी नहीं लगाया था कंडीशनर वगैरह, फिर भी बाल बेहद सिल्की और शाइनी लग रहे थे। अभी बाल ज़्यादा ड्राई नहीं हुए थे, गीले बाल थे,
तो फिर भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सिल्की दिख रहे थे। आई होप आप लोग को भी ये मेहंदी ये कलर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग भी परचेस कीजिए, हमारे साथ फीडबैक शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।